जैन स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू सी द एक्सरसाइज ऑफ ग्रामर लेसन वन क्लास फिफ्थ सो लेट्स गेट स्टार्टेड एक्सरसाइज राइट ट्रू और फॉल्स आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको ये ट्रू है तो आपको उसके सामने लिखना है ट्रू और फॉल्स है तो आपको लिखना है फॉल्स है ना आप सभी बच्चों को क्या करना है टेक्स्ट को पूरी अच्छे तरीके से समझना है जो भी समझाया जाता है टॉपिक में उसको समझना है उसके बाद में एक्सरसाइज करना चाहिए केवल और केवल आंसर्स नहीं लिखना है एफॉर्मेटिव सेंटेंसेस आर पॉजिटिव इन नेचर एफॉर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो बाय नेचर कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं अफकोर्स वो पॉजिटिव ही होते हैं तो हम लगाएंगे ट्रू इंपेरेटिव सेंटेंसेज एंड विद फुल स्टॉप इंपेरेटिव सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आता है बिल्कुल आता है तो ये है ट्रू इंटरोगेटिव सेंटेंसेज एंड विथ एन एक्सप्लेमेशन मार्क नहीं ये फॉल्स आएगा क्यों क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में इंटरोगेसन मार्क आता है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स नेगेटिव सेंटेंसेज डू नॉट कंटेन्ट नेगेटिव वर्ड्स नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नेगेटिव वर्ड्स नहीं आते हैं बिल्कुल आते हैं उसमें तो ये कैसा है फॉल्स है नेगेटिव है आई I मीन mean, ये क्या है फॉल्स है गलत है एवरी सेंटेंस बिगिनस विथ अ कैपिटल लेटर सभी सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं तो बिल्कुल सही है तो यहाँ पे हमने लिखा ट्रू ओके नाउ राइट एस फॉर स्टेटमेंट क्यू फॉर क्वेश्चन सी फॉर कमांड एंड ई फॉर एन एक्सक्लेमेशन मतलब स्टेटमेंट अगर होगा तो आपको एस लगाना है क्वेश्चन अगर पूछा गया है सेंटेंस में तो आप क्यू लगाएंगे कमांड यानी कि ऑर्डर है आप सी लगाएंगे और फॉर एन एक्सक्लेमेशन यानी कि आश्चर्य का भाव है अगर है ना तो हम लगाएंगे ई एक्सलमेशन ओके तो चलिए देखते हैं इसके आंसर्स क्या होंगे ओके नंबर वन क्रॉस द रोड ओनली एट ज़िब्रा क्रॉसिंग देखिए यहाँ पर सलाह की भाव है या फिर एक कमांड का भाव है ऑर्डर का भाव है कि हमें क्या करना चाहिए ज़िब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड को क्रॉस करना चाहिए तो हमें क्या लगाएंगे ये सी फॉर कमांड यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम सी क्योंकि इसमें कमांड है और नंबर टू वाई डिजेंट यू स्टॉप एट द रेड लाइट सिग्नल आप रेड लाइट सिग्नल पर क्यों नहीं रुके तो ये क्या है क्वेश्चन है इंटरोगेशन है तो हम लगाएंगे क्वेश्चन ओके क्यू नाउ स्लो डाउन योर कार एट एवरी टर्निंग आप एवरी टर्निंग पे अपनी कार को स्लो डाउन करेंगे तो यहाँ पर भी कमांड का भाव है तो हम लिखेंगे सी हाउ स्लिक दिल एस्ट्राइज तो यहाँ पर है इंटर माफ़ कीजिएगा यहाँ पर है एक्सलमेशन मार्क तो हम लगाएंगे यहाँ पर ई ओके ई लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है न्यू इंडिगो रन्स ऑन डीजल तो ये एक स्टेटमेंट है नॉर्मल सा सेंटेंस है तो हम यहाँ पर लगाएंगे एस ओके आप सभी को प्रॉपर तरीके से लिखना है और याद भी रखना है नाउ मैच दिस क्वेश्चंस विद द आंसर्स क्वेश्चंस को आपको आंसर से मैच करना है वेयर इज द ट्रेन गोइंग ट्रेन कहाँ जा रही है तो इट इज गोइंग टू मुंबई मुंबई जा रही है वेन डज द फुटबॉल मैच बिगिन फुटबॉल मैच कितने बजे शुरू होता है तो द मैच बिगिंस एट एट पी एम वॉट इज योर ब्रदर ब्रदर्स नेम हिज नेम इज़ करण डिड यू लाइक द बिस्किट आपने आपको बिस्किट पसंद आए येस वर डेलीशियस वो बहुत स्वादिष्ट थे हाउ मच डिड द बैग कॉस्ट बैग की कॉस्टिंग यानी कि बैग की प्राइस कितनी थी इट कॉस्ट फाइव हंड्रेड रुपीज़ तो कितने में हुई तो उसका रेट क्या था पाँच सौ रुपये नाउ नेक्स्ट वन इज रीड राइट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स एड सेंटेंसेस सेंटेंसेस के तरीके से नीचे दिए गए हुए जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनको आपको लिखना है द काइंड ऑफ सेंटेंस टू बी फॉर्म्ड इज़ मैंशन इन द ब्रैकेट्स आपको किस प्रकार का सेंटेंस बनाना है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वेश्चन बनाना है कमांड बनाना है स्टेटमेंट बनाना, बनाना है एक्सप्लेमेशन बनाना है ओके नाउ बिगिन इच सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर और आपको क्या करना है कैपिटल लेटर से इस सेंटेंस की शुरुआत करना है द प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क एट द एंड और लास्ट में आपको प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क भी लगाना है द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज़ अंडरलाइन मतलब जो पहला शब्द होगा सेंटेंस का उसको अंडरलाइन किया गया है यहाँ से आपको शुरुआत करना है ठीक है तो चलिए देखते हैं कैसे होगा यू डिड वेयर समर स्पेंड हॉलीडे योर क्वेश्चन बनाना है आपको तो इसका कहाँ से शुरुआत करना है अंडरलाइन वर्ड अंडरलाइन वर्ड क्या है वेयर फिर नॉर्मल डब्ल्यू एच क्वेश्चन के बाद में हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड उसके बाद में इमीडिएटली लगता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर यू तो वेयर डिड यू अब यू के बाद में आता है वर्ब वर्ब क्या है यहाँ पर स्पेंड बिताना तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्पेंड वेयर डिड यू स्पेंड योर समर हॉलीडे ओके क्या आंसर होगा वेयर डिड यू स्पेंड योर समर हॉलीडे ये हमारा क्वेश्चन हो गया और लास्ट में आपको क्या लगाना है क्वेश्चन मार्क लगाना है ओके नाउ नेक्स्ट वन इज द मेडिसिन बॉटल द शेक वेल टेकिंग बिफोर देखिए इसमें कमांड बनाना है आपको और शुरुआत किससे करना है अंडरलाइन वर्ड से अंडरलाइन वर्ड है शेक यहाँ से शुरुआत करेंगे एज कैपिटल होना चाहिए शेक द मेडिसिन बॉटल वेल बिफोर टेकिंग शेक द मेडिसिन बॉटल वेल बिफोर टेकिंग सो यह हो गया आपका कमांड नाउ द आंसर ऑफ थर्ड वन इज हैव लाइब्रेरी स्कूल वी आवर एन वीडियो एक्सेलेंट इन स्टेटमेंट बनाना है ठीक है तो हम यहाँ से वी से शुरुआत करेंगे इसकी so, वी वी के साथ में हम लगाएंगे हैव वी हैव अपलेंट वीडियो लाइब्रेरी कैसे बोलेंगे वी हैव एंड एक्सलेंट वीडियो लाइब्रेरी इन इन आर स्कूल इन आर स्कूल यानी कि हमारे स्कूल में एक एक्सलेंट वीडियो लाइब्रेरी है ओके okay? सो so, इस तरीके से इसका स्टेटमेंट बनेगा नाउ वॉज एक्साइटिंग हाउ रेस द कार एक्सप्लेमेशन बनाना है तो हाउ एक्साइटिंग वॉज द कार रेस कितनी एक्साइटिंग कार रेस थी ओके तो देखिए यहाँ पर हाउ से हमने शुरुआत करी जो अंडरलाइन पोर्शन था हाउ एक्साइटिंग वॉज द कार रेस ना नेक्स्ट वन इज यू हैव अ फिल्म द शूटिंग एवर क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ से बनेगा हैव यू एवर वॉच्ड क्या आपने कभी देखा है क्या देखा है द शूटिंग ऑफ अ फिल्म यानी कि फिल्म की शूटिंग कभी आपने देखी है हैव यू एवर का मतलब होता है क्या कभी आपने है ना इस तरीके से ओके okay, बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही आप सभी बच्चों को इसके क्वेश्चन आंसर्स आपकी ग्रामर बुक में प्रॉपर तरीके से लिखना है आई एल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर टिल देन गुड बाय एंड सी यू